हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। दिस इज सूरज कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सूरज सर। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस का यस और नो टाइप क्वेश्चन को किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, और क्या वो रूल होता है जो हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जो भी मैंने आपको बताया, एक्टिव वॉइस में आइडेंटिफाई करना और पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करना, मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको बताऊँगा एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस में डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा। मैं बताऊँगा कि किस तरीके से डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन को हम आइडेंटिफाई करते हैं, और आइडेंटिफाई करके डियर स्टूडेंट किस तरीके से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफ़र करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जो पैसिव वॉइस का रूल है, पैसिव वॉइस के रूल के बारे में बताऊंगा। मैं बताऊंगा कि किस तरीके से हम पैसिव वॉइस के रूल को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफ़र करेंगे। तो आइए डियर स्टूडेंट, बिना देरी किए हुए आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, पहले हम आइडेंटिफाई करना सीखेंगे, या कह सकते हैं डियर स्टूडेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, इंटरोगेटिव सेंटेंस का, डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन का स्ट्रक्चर सीखेंगे कि एक्टिव वॉइस में क्या स्ट्रक्चर होता है, और डियर स्टूडेंट पैसिव वॉइस के बारे में फिर सीखेंगे कि पैसिव वॉइस का जो रूल होता है उसका क्या स्ट्रक्चर होता है। तो ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, कभी भी हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि अगर वाक्य के आरंभ में डब्ल्यू एच टाइप वर्ड लगा हो, ध्यान दीजिएगा, अगर वाक्य के आरंभ में डब्ल्यू एच टाइप वर्ड लगा हो, डब्ल्यू एच टाइप का वर्ड का मतलब होता है डियर स्टूडेंट कि ऐसा शब्द जो डब्ल्यू एच लेटर से बना हो, जैसे आपका वेन, वेयर, वाई, हुम, हुज, ये जो वर्ड है डियर स्टूडेंट, क्या आपके इंटरोगेटिव वर्ड्स हैं, अरे किससे बने हुए हैं, आपका डब्ल्यू एच लेटर से बना हुआ है। तो डियर स्टूडेंट क्या होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश में हम देखेंगे कि अगर कोई भी सेंटेंस डब्ल्यू एच टाइप वर्ड से स्टार्ट हो रहा है और डिड का प्रयोग हो रहा है, डियर स्टूडेंट डिड का प्रयोग हो रहा है, फिर सब्जेक्ट आ रहा है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ है, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में डियर स्टूडेंट वो जो सेंटेंस होता है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, इंटरोगेटिव सेंटेंस का डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन कहलाता है। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ डियर स्टूडेंट कि डब्ल्यू एच टाइप वर्ड से सेंटेंस अगर स्टार्ट हो और इसके बाद डिड आता है, सब्जेक्ट आए, अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आए, ऑब्जेक्ट आए, और अंत में इंटरोगेटिव मार्क आए, तो ऐसे कंडीशन में डियर स्टूडेंट क्या कहलाता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, इंटरोगेटिव सेंटेंस का डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट, आई थिंक आपको समझ में आया होगा एक्टिव वॉइस का जो रूल है, आपको रूल समझ में आया होगा, स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। अब डियर स्टूडेंट मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम डब्ल्यू एच टाइप को, डब्ल्यू एच टाइप जो पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में डब्ल्यू एच टाइप को किस तरीके से हम ट्रांसफर करते हैं। तो ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, जो डब्ल्यू एच टाइप, इसमें क्या होता है, पैसिव वॉइस में भी आपका डब्ल्यू एच टाइप वर्ड होता है, डब्ल्यू एच टाइप वर्ड में हम कोई भी चेंज नहीं करते हैं, जो एक्टिव वॉइस में जो डब्ल्यू एच टाइप वर्ड है, जैसे आपका एक्टिव वॉइस में रहेगा ऐसे हम पैसिव वॉइस में भी डब्ल्यू एच टाइप वर्ड को बिल्कुल उतार देंगे। फिर डियर स्टूडेंट ध्यान देना है कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। तो डियर स्टूडेंट, जैसा हमारा एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, अगर सिंगुलर आए तो हम वाच का प्रयोग करेंगे, डब्ल्यू एच टाइप वर्ड के बाद तुरंत हम वाच का प्रयोग करेंगे, अगर डियर स्टूडेंट आपका, अगर ये प्लूरल आता है तो हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, डब्ल्यू एच टाइप वर्ड लिखने के बाद हमें यह ध्यान देना होगा कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है, जब इसको सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो अगर ये सिंगुलर होगा तो वाच का प्रयोग करेंगे, अगर ये प्लूरल होगा तो हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। फिर डियर स्टूडेंट, वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, उसके बाद बाई का प्रयोग होता है, बाई के बाद डियर स्टूडेंट एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। तो अगर डियर स्टूडेंट, अगर ये एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट, इसको हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, अगर ये आई होगा तो मीर लिखेंगे, अगर वी होगा तो अस लिखेंगे, दे रहेगा तो देम का प्रयोग करेंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि डब्ल्यू एच टाइप वर्ड लिखेंगे, वाज या वर एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के अनुसार लिखेंगे, फिर वर्ब का प्रयोग करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई, बाई के बाद एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, और अंत में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे डियर स्टूडेंट।
तो मैं उम्मीद करता हूँ अंडरस्टैंड कि एक्टिव वॉइस का भी रूल आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और जो पैसिव वॉइस का रूल है ये भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आइए अंडरस्टैंड जानते हैं कि किस तरीके से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जब ट्रांसफ़र करेंगे तो जो पैसिव वॉइस का रूल है किस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके बहुत ही आसानी से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अंडरस्टैंड ध्यान दीजिएगा, आइए हम एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल अंडरस्टैंड, वेयर डिड ही ईट एन ऑरेंज, वेयर डिड ही ईट एन ऑरेंज। तो जैसे वेयर देखिए डब्ल्यू एच स्टार्ट की हमने बात किया, देखिए डब्ल्यू एच से स्टार्ट है आपका, डब्ल्यू एच जो लेटर है आपका डब्ल्यू एच लेटर है और ये क्या है डब्ल्यू एच टाइप वर्ड बोलते हैं, इसको इंटरगेटिव वर्ड बोलते हैं। फिर जैसे डिड का प्रयोग करते हैं, डिड के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, फिर जैसे ऑब्जेक्ट आया है। तो देखिए जैसे वेयर है, डिड है, सब्जेक्ट है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है, ऑब्जेक्ट आया है, तो हम डिस्टेंट देखते ही सेंटेंस को पहचान जाएंगे कि ये जो सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस का डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन है। तो डिस्टेंट पहचान गए हैं आप, अब आइए इसको हम ट्रांसफर करते हैं पैसिव वॉइस में। तो अभी जस्ट हमने बताया डिस्टेंट क्या है पैसिव वॉइस में, जो डब्ल्यू एच टाइप वर्ड है क्या आपका डब्ल्यू एच टाइप वर्ड है, डब्ल्यू एच टाइप वर्ड में हम कोई भी चेंज नहीं करते हैं। तो वेयर को डिस्टेंट हम क्या करेंगे, वेयर को वेयर ही लिखेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। देखिए आपको रूल को देखना है डिस्टेंट, रूल को आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और बहुत ही आसानी से डिस्टेंट आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाएंगे और बहुत ही आसानी से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर कर लेंगे। तो आपने डब्ल्यू एच टाइप वर्ड लिख लिया डिस्टेंट, उसके बाद वाज का प्रयोग करेंगे, वाज या वर का प्रयोग करेंगे। अब कैसे हमें वाज या वर का प्रयोग करना है, अब हमें एक्टिव वॉइस को ऑब्जेक्ट को देखना है, ऑब्जेक्ट क्या डिस्टेंट एन ऑरेंज है, क्या है एन ऑरेंज, ये क्या आपका सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। अगर एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट सिंगुलर आता है तो हम क्या करेंगे वाच का प्रयोग करेंगे, अगर ये प्लूरल आता है तो वर का प्रयोग करेंगे। जैसा कि सिंगुलर है तो हम क्या करेंगे वाच का प्रयोग करेंगे, वाच, फिर एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे एन ऑरेंज, एन ऑरेंज। फिर डिस्टेंट वर्ब का थर्ड फॉर्म देखिएगा, ईट आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, एट सेकेंड फॉर्म होता है, ईटन क्या होता है थर्ड फॉर्म होता है, क्या लिखेंगे ईटन, ईटन के बाद बाई का प्रयोग करेंगे, बाई के बाद एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या आपका ही है, ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो ही का क्या होगा हिम होगा, लिखेंगे डिस्टेंट हिम, और अंत में क्या करेंगे किस समय का प्रयोग करेंगे। देखिए वेयर वॉज एन ऑरेंज ईटन बाई हिम, हमने डब्ल्यू एच टाइप वर्ड में कोई परिवर्तन नहीं किया है, जिस स्थान पर उसी स्थान पर हमने लिखा है, फिर एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है इसको हम सब्जेक्ट बनाया है, इसी के अनुसार डिस्टेंट हमने वाज का प्रयोग किया है, फिर इसको लिखा है, फिर डिस्टेंट वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया है, फिर बाई का प्रयोग किया है, बाई के बाद एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा है और अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया है। अगला एग्जाम्पल देखिए डिस्टेंट, व्हाई डिड ही बीट देम, वाई डिड ही बीट देम। तो डिस्टेंट हमने आपको बताया डब्ल्यू एच टाइप के वर्ड में हम कोई चेंज नहीं करेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। डिस्टेंट डब्ल्यू एच टाइप वर्ड क्या आपका वाई है, हम लिखेंगे वाई, वाई, वाई लिखने के बाद डिस्टेंट क्या करेंगे एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट देखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या आपका देम है, क्या डिस्टेंट ऑब्जेक्ट आपका देम है। और डिस्टेंट ध्यान दीजिएगा कि ऑब्जेक्ट को जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो देम का क्या होता है दे होता है। ट्रेडिशन दे के लिए हम क्या करते हैं वर्ग का प्रयोग करेंगे, बहुवचन एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट बनाएंगे अगर बहुवचन आता है तो ऐसे कंडीशन हम क्या करेंगे वर्ग का प्रयोग करेंगे, फिर देम का क्या होगा आपका दे होगा, दे लिखेंगे। देखिए रूल में ही डिस्टर हमें ध्यान देना है, रूल के अलावा हमें कहीं नहीं देखना है और बहुत ही आसानी से डिस्टर स्टेप बाई स्टेप रूल को फॉलो करके बहुत ही आसानी से आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर कर लेंगे। दे का प्रयोग किया डिस्टेंट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म डिस्टेंट बीट है, बीट मीन्स होता है पीटना, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है बीटेन, क्या होगा डिस्टेंट बीटेन, बीटेन के बाद बाई का प्रयोग करेंगे, बाई के बाद एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट क्या आपका ही है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो ही का क्या होगा डिस्टेंट हिम होगा, और अंत में क्या करेंगे क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे, क्या लिखेंगे वाई वर दे बीटेन बाई हिम। अगला एग्जाम्पल देखिएगा, अगला एग्जाम्पल अंडरस्टैंड, व्हेन डिड यू सपोर्ट अस, व्हेन डिड यू सपोर्ट अस। अगर पहचानने की बात है अंडरस्टैंड कि अगर कहीं भी ऐसा सेंटेंस आता है जिसमें आपका डब्ल्यू एच टाइप वर्ड हो, डिड का प्रयोग हुआ हो, सब्जेक्ट आया हो,
अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया हो और ऑब्जेक्ट आया हो, तो आप डेशन जैसे ही सेंटेंस को देखेंगे तुरंत आप पहचान जाएंगे कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस का डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे डेशन, जो वेन है इंटरोगेटिव जो वर्ड है, इंटरोगेटिव वर्ड में कोई परिवर्तन हम नहीं करते हैं, तो डेशन वेन को हम वेन लिखेंगे वेन। अब क्या करेंगे, एक्टिव एस का ऑब्जेक्ट देखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या डेस्टन अस है, अस को अस ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के रूप में क्या होता है वी होता है, तो वी के लिए हम क्या करेंगे प्लूरल नंबर जो एजली वर्ब है वर वर का प्रयोग करेंगे वर। इसके बाद जो ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया लिखेंगे वी। फिर डेस्टन वर्ब का थर्ड फॉर्म सपोर्ट है, सपोर्ट का क्या होता है थर्ड फॉर्म सपोर्टेड, क्या होगा डेस्टन सपोर्टेड सपोर्टेड। फिर बाई का प्रयोग करेंगे, बाई के बाद एक्टिव वाइज का सब्जेक्ट क्या आपका यू है, पैसिव वाइज में ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, तो यू का क्या होता है डियर स्टूडेंट यू का यू ही होता है, और अंत में क्या करेंगे क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे वेन वर वी सपोर्टेड बाई यू। हम रूल को देख रहे हैं डियर स्टूडेंट, रूल को फॉलो कर रहे हैं, कोई भी डियर स्टूडेंट आपको जरा सा भी रटना नहीं है, रूल को देखते हुए फॉलो करते हुए आसानी से आप एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज में ट्रांसफर कर लेंगे। अगला एग्जाम्पल देखिएगा, हाउ डिड सी प्लग द फ्लावर। तो डेस्टन ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्ट हमें फाइंड आउट करना है, ऑब्जेक्ट क्या है आपका द फ्लावर है, ऑब्जेक्ट क्या है द फ्लावर है, और डब्ल्यू एच टाइप वर्ड क्या है आपका हाउ है, तो हाउ में कोई चेंज नहीं करेंगे, डब्ल्यू एच टाइप वर्ड में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, हम इसको ऐसे ही उतार देंगे। हाउ के बाद डेस्टन ऑब्जेक्ट हमारा क्या है द फ्लावर है, द फ्लावर क्या है आपका सिंगुलर नंबर है डेस्टन, ये एक वचन है, एक वचन ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट में बदलेंगे कर्ता के लिए हम क्या करते हैं वॉच का प्रयोग करेंगे, क्या लिखेंगे वॉच द फ्लावर, हाउ वॉज द फ्लावर। वर्ब का थर्ड फॉर्म डेस्टन प्लग्ड होता है, प्लग्ड, थर्ड फॉर्म क्या होगा प्लग्ड बाद बाई का प्रयोग करेंगे, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या आपका सी है, ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो सी का क्या होता है हर होता है, और अंत में क्या करेंगे क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे हाउ वॉज द फ्लावर प्लग्ड बाई हर। अगला एग्जाम्पल देखिएगा डिस्टेंट, अगला एग्जाम्पल है वेयर डिड राम ड्राइव अ कार। तो जैसा कि हमने बताया डब्ल्यू एच टाइप वर्ड में हम कोई चेंज नहीं करेंगे, वेयर को वेयर ही लिखेंगे वेयर। फिर डेस्टन ऑब्जेक्ट आपका आकार है, ये सिंगुलर नंबर ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो सिंगुलर ही होगा, कोई चेंज नहीं होगा इसमें, तो सिंगुलर के लिए हम क्या करते हैं वॉच का प्रयोग करते हैं, वॉज आकार, वेयर वॉज आकार। वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब डेस्टन ड्राइव है, क्या होगा थर्ड फॉर्म ड्राइव इन के बाद बाइक का प्रयोग करेंगे, बाइक बाद एक्टिव है इसका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है राम है, तो इसको ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, नाउन में कोई चेंज हम नहीं करेंगे, क्या होगा डियर राम, और अंत में क्या करेंगे क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे वेयर वॉज अ कार ड्राइव इन बाई राम। अगला एग्जाम्पल देखिएगा, अगला एग्जाम्पल है वाई डिड सी चीट अस। देखिएगा आपका जो डब्ल्यू एच टाइप वर्ड है क्या है वाई है, तो हम इसको ऐसे उतारेंगे वाई। फिर डिस्टेंट एक्टिव एस का ऑब्जेक्ट क्या है आपका अस है, इसको सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा वी होगा, वी के लिए हमेशा हम वर का प्रयोग करते हैं वर वी। वर्ब का थर्ड फॉर्म चीट है डिस्टेंट, तो चीट का क्या होता है चीटेड, थर्ड फॉर्म होगा डिस्टेंट चीटेड के बाद बाई का प्रयोग करेंगे, बाई के बाद एक्टिव वाइज का सब्जेक्ट सी आपका सब्जेक्ट है, पैसिव वाइज में सब ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे सी का क्या होता है हर का प्रयोग करेंगे, अंत में क्या करेंगे क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे वाई वर वी चीटेड बाई हर। अगला एग्जाम्पल देखिएगा डिस्टेंट, अगला एग्जाम्पल है हाउ डिड सी कुक फूड। डब्ल्यू एच टाइप वर्ड डिस्टेंट हाउ है, इसको इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, डब्ल्यू एच टाइप वर्ड में हम कोई चेंज नहीं करते हैं पैसिव वॉइस में, हमने हाउ लिखा, हाउ के बाद जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या आपका फूड है, फूड क्या है सिंगुलर नंबर है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे वॉच का प्रयोग करेंगे
वाज फूड, हाउ वाज फूड, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म कुक है रेस्टोरेंट तो क्या होगा कुक्ड, कुक्ड। फिर बाई का प्रयोग करेंगे, बाई पर एक्टिव आज का सब्जेक्ट क्या है सी है, ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो सी का क्या होगा हर होगा, अनवे क्या करेंगे क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे, हाउ वाज फूड कुक्ड बाई हर। तो रेस्टोरेंट अब जो हमारा क्या है इस टॉपिक का लास्ट एग्जाम्पल है, लास्ट एग्जाम्पल क्या है रेस्टोरेंट ध्यान दीजिएगा, वेन डिड ही हेल्प मी, वेन डिड ही हेल्प मी। तो जैसा कि डब्ल्यू एस टाइप वर्ड क्या आपका वेन है, तो वेन में हम कोई चेंज नहीं करेंगे, वेन मी रेस्टोरेंट क्या आ रहा आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो मी का क्या होगा आपका आई होगा, तो आई के लिए हम क्या करते हैं वाच का प्रयोग करते हैं, वॉज आई, वेन वॉज आई। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म रेस्टोरेंट हेल्प है, तो हेल्प का जो थर्ड फॉर्म होता है हेल्प्ड, हेल्प्ड। फिर बाई का प्रयोग करेंगे, बाई के बाद एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या आपका ही है, सब्जेक्ट का रेस्टोरेंट ही है, इसको ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो ही का क्या होता है आपका हिम होता है, हिम। और अंत में क्या करेंगे क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे, देखिए वेन वाज आई हेल्प्ड बाई हिम। तो डियर स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो मैंने आपको टॉपिक बताया, आज हमने बताया कि एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन है किस तरीके से हम इसको इंग्लिश में आइडेंटिफाई करते हैं, जो एक्टिव वॉइस का डियर स्टूडेंट जो रूल स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर है वो आप देखे होंगे डियर स्टूडेंट, किस तरीके से हम किसी भी जो अगर सेंटेंस दिया है अगर उसमें आपका डब्ल्यू एच टाइप वर्ड है, डीड आया है, सब्जेक्ट आया है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है, ऑब्जेक्ट आया है, तो ऐसे कंडीशन में आप देखते ही समझ जाएंगे कि ये जो सेंटेंस है क्या आपका डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन है, किसका डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो जैसे मैंने स्ट्रक्चर बताया, अब मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर समझ में आया होगा, आइडेंटिफाई करना आप सीख गए होंगे। फिर जैसे मैंने आपको बताया कि पैसिव वॉइस के रूल के बारे में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम पैसिव वॉइस का जो रूल का जो पैसिव वॉइस है पैसिव वॉइस का क्या रूल होता है, और जैसे किस तरीके से हम किसी भी सेंटेंस में अगर आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो किस तरीके से हम जो पैसिव वॉइस का रूल है स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके बहुत ही आसानी से डिएशन हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो जैसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो टॉपिक है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और डिएशन जो भी मैंने आपको पास्ट में पढ़ाया, जैसे हमने पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था, इससे पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में, नेगेटिव सेंटेंस के बारे में, इंटरोगेटिव सेंटेंस का या सनो टाइप के बारे में, तो जो भी मैंने पढ़ाया डिएशन आपको बेसिक टू एडवांस पढ़ाया, और मैं उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। अब डिएशन अब हमारा जो अगला टॉपिक होने वाला है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो पॉजिटिव सेंटेंस है पॉजिटिव सेंटेंस को आइडेंटिफाई करते हैं, और डिएशन आइडेंटिफाई करके किस तरीके से हम पास्ट कंटिन्यूअस को जो पॉजिटिव सेंटेंस है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफ़र करते हैं। तो डियर स्टूडेंट अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा जो चैनल है डियर स्टूडेंट लर्निंग विद सूरज सर, इस चैनल पर आपका फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश एग्जाम पढ़ाया जाता है। अगर डियर स्टूडेंट आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये जो चैनल है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। डियर स्टूडेंट अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लर्निंग विद सूरज सर को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करिए ही, और अपने अलावा जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, उनसे भी बताइए कि ये जो चैनल है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर डियर स्टूडेंट अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है और डियर स्टूडेंट शेयर नहीं किया है तो डियर स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और आपका जो फीडबैक है डियर स्टूडेंट आपका जो फीडबैक है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है, तो प्लीज़ गिव मी योर वैल्यूएबल फीडबैक। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स।